Hello everyone, welcome to my YouTube. Click on the like, share and subscribe button. So friends, आज इस session में हम सीखेंगे कि हम अपने एक LAN card के ऊपर multiple IP address कैसे assign कर सकते हैं. Multiple IP address को assign करने का benefit ये है कि आप local LAN में भी रह सकते हैं और अगर आप internet के IPs को assign करते हैं अपने LAN card पर तब आप WAN से भी data को access कर सकते हैं. या ऐसा भी हो सकता है कि आपके नेटवर्क के अंदर मल्टीपल क्लासेस के आईपी एड्रेस असाइन हो, जैसे कि क्लास ए का, क्लास बी का या क्लास सी का. उस कंडीशन में भी हम अपने सिस्टम के ऊपर मल्टीपल आईपी एड्रेस को असाइन कर सकते हैं. तो आईपी एड्रेस को असाइन करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे कंट्रोल पैनल में. तो कंट्रोल पैनल में जाने के लिए आपको यहां पर टाइप करना होगा कंट्रोल तो आपके सामने ओपन होगा कंट्रोल पैनल का ऑप्शन. इस पर हम क्लिक करेंगे तो कंट्रोल पैनल ओपन हो गया. कई बार हमारे सामने कंट्रोल पैनल कुछ इस तरह से नजर आता है. तो यहां से हम इस ऑप्शन में जाएंगे नेटवर्क एंड इंटरनेट में, या आप यहां से कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं. तो मैं कैटेगरी चेंज करता हूं लार्ज आइकन्स में. देन हम जाएंगे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में. नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर ओपन होने के बाद आपको जाना होगा चेंज एडाप्टर सेटिंग्स ऑप्शन में. यहां पर आपको आपके सभी सिस्टम में अवेलेबल लैन कार्ड्स नजर आएंगे, चाहे वो वायर्ड हो चाहे वो वायरलेस हो. तो अभी मेरे सिस्टम में कोई भी वायरलेस लैन कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो मैं अपने इस वायर्ड लैन कार्ड के ऊपर ही आईपी एड्रेस को असाइन करूंगा. तो राइट क्लिक करा, प्रॉपर्टीज में गया. प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपके सामने काफी सारे ऑप्शन यहां पर आपको मिल जाते हैं. आपको वर्जन 6 को करना होगा अनचेक. जब आप वर्जन 6 का आईपी एड्रेस असाइन करें तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें, वर्जन 4 को अनचेक कर दें. और जब आप वर्जन 4 का आईपी एड्रेस असाइन करें तो आप वर्जन 6 को अनचेक कर दें. देन हम सेलेक्ट करेंगे वर्जन 4 ऑप्शन को. प्रॉपर्टीज में गया. अभी है आपका आईपी एड्रेस ऑब्टेन एंड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, यानी कि अगर आपके नेटवर्क में कोई डीएससीपी सर्वर होगा तो वो आपको आईपी असाइन कर रहा होगा. तो अभी तो हमें क्या डालना है अपने सिस्टम के ऊपर, स्टैटिक मल्टीपल आईपी एड्रेस. तो आईपी एड्रेस को हम यहां से असाइन करेंगे. मान लीजिए कि मैंने यहां पे आईपी रखा 10.0.0.5 फॉर एग्जांपल. सबनेट मास्क पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा सबनेट मास्क आ गया. ओके पे क्लिक करा, क्लोज पे क्लिक करा तो ये आपका वन आईपी एड्रेस असाइन हो गया आपके लैन कार्ड पर. आप डबल क्लिक करके डिटेल में जाके देख सकते हैं कि आपका आईपी एड्रेस असाइन हुआ कि नहीं हुआ. तो ये आईपी आपका असाइन हो गया. अब हम इसके ऊपर एक और आईपी एड्रेस को असाइन करेंगे सेम लैन कार्ड पर. तो उसके लिए हम इसे कर देते हैं क्लोज. क्लोज किया, वापस राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज, वर्जन 4 को सिलेक्ट करना होगा, प्रॉपर्टीज. अब यहां पर तो कोई ऑप्शन नहीं है, यहां पे ऑप्शन है आपके पास डिफॉल्ट गेटवे का, डीएनएस का और अल्टरनेट डीएनएस का, लेकिन हमें असाइन करना है आईपी. तो आईपी के लिए आप जाएंगे एडवांस ऑप्शन में. एडवांस में जाने के बाद आपके सामने आ गया आईपी सेटिंग. ये आपका फर्स्ट आईपी जो अभी आपने असाइन किया. मुझे एक और आईपी असाइन करना है तो ऐड पे क्लिक करेंगे. यहां पे मैं क्लास ए का एक और आईपी असाइन करता हूं. आईपी लेता हूं 20.0.0.5 फॉर एग्जांपल. सबनेट पे क्लिक करा, ऐड पे क्लिक करा तो ये क्लास ए के मैंने दो आईपी असाइन कर दिए. क्लास ए की रेंज होती है आपकी 0 से 127, जिसमें से 0 आपका डिफॉल्ट राउटिंग के लिए फिक्स्ड है और 127 आपका लूपबैक के लिए फिक्स्ड है. तो क्लास ए की आपकी वैलिड रेंज है 1 टू 126. क्लास बी की है 128 से लेके 191 तक. क्लास सी की 192 से लेके 223 तक. अब हम एक और आईपी एड्रेस असाइन करेंगे क्लास बी का. तो ऐड पे क्लिक करा, आईपी लेता हूं 150.0.0.5. सबनेट पे क्लिक करा तो आपका सबनेट आ गया 255.255.0.0.
इसका मतलब है आपके आपकी नेटवर्क बिट्स हैं फर्स्ट ऑक्टेट और आपका सेकेंड ऑक्टेट। ऐड पे क्लिक करा तो क्लास बी का आई पी एड्रेस भी हो गया असाइन। सेम अगर आप एक और आई पी असाइन करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो अब मैं असाइन करूँगा क्लास सी का आई पी एड्रेस, तो ऐड पे क्लिक करा 192.168.1.5 फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्लास सी है तो इसमें 3 बिटें हैं आपकी नेटवर्क की, तो आ गया आपका सबनेट मास्क 255.255.255.0। ऐड पे क्लिक करा तो आई पी एड्रेस असाइन हो गया। ओके पे क्लिक करा, ओके पे क्लिक करा, देन क्लोज किया, वेरीफाई करेंगे डिटेल पे क्लिक करके, तो ये सभी आई पी एड्रेस हो चुके हैं आपके असाइन 10.5, 20.5, 150.0.5, 192.168.1.5। क्लोज किया, ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट को, तो टाइप करेंगे यहाँ पे सीएमडी, ओके पे क्लिक करा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। टाइप करेंगे यहाँ पे कमांड आईपी कॉन्फिग, एंटर किया तो आपको सभी आईपीज यहाँ पर हो रहे हैं शो। पिंग करके देखते हैं, पिंग स्पेस 10.5, आप ऐसे भी पिंग कर सकते हैं तो आपका रिप्लाई आ रहा है। अगर आप कंप्लीट आईपी देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, पिंग स्पेस 10.4.4.5, तो यहाँ से भी आपका रिप्लाई आ रहा है। अगर आप क्लास बी का आईपी था हमारा 150.0.0.5, तो इसे भी पिंग करके देखते हैं, पिंग स्पेस 150.0.5, तो ये भी आपका रिप्लाई आ रहा है। तो आपको नेटवर्क बिट्स सभी देनी ज़रूरी है, देन आप अपना होस्ट बिट्स दे सकते हैं। तो अंडरस्टूड है कि जो बीच वाला जो ऑक्टेट है वो आपका ज़ीरो रहेगा, चाहे आप इसे कंप्लीट आईपी लिखें चाहे आप ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मुझे मान लो कि इंटरनेट भी अप्लाई करना है अपने इसी लैंड कार्ड पर और लोकल नेटवर्क में भी अवेलेबल होना है, तो फिर से जाएंगे प्रॉपर्टीज में, वर्जन 4 प्रॉपर्टीज। लेकिन ध्यान रखिए कि जब आप अपने सिस्टम के ऊपर आई पी एड्रेस को असाइन करेंगे तो आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे सिर्फ एक ही रहेगा। तो पहले हम चलते हैं एडवांस में, आई पी एड्रेस असाइन करता हूँ अपना इंटरनेट के लिए 192.168, ये मुझे ISP से मिला हुआ है, तो जो भी आपको मिला है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मैं 129 लेता हूँ, देन ऐड पे क्लिक करा तो आईपी आपका असाइन हो गया। डिफ़ॉल्ट गेटवे भी ऐड कर लेते हैं, तो डिफ़ॉल्ट गेटवे है मेरा 192.168.213.2। ये डिफ़ॉल्ट गेटवे आपका उसी नेटवर्क का होना चाहिए जिस नेटवर्क का आपका आईपी एड्रेस है। तो आईपी एड्रेस तो मेरे कई हैं लेकिन मुझे नेट चलाना है अपने 192.168.213 के नेटवर्क से, तो इसे करेंगे यहाँ पर ऐड। और DNS भी आपको एंटर करना है तो DNS को भी यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। DNS का IP है 192.168.213.2। ऐड पे क्लिक करा, ऐड हो गया। एक और ऐड करते हैं यहाँ पे 8.8.8.8, ऐड पे क्लिक करा तो ये आपका अल्टरनेट DNS बन जाएगा। ओके पे क्लिक करा, देखिए जो मैंने आईपी एड्रेस एडवांस में जाके साइन किए तो यहाँ पर आपको वही आईपी शो हो गया, डिफ़ॉल्ट गेटवे का, प्रेफर्ड DNS का और अल्टरनेट DNS का। ओके पे क्लिक करा, देन क्लोज, डबल क्लिक करा, डिटेल पे गया तो आईपी एड्रेस आपको यहाँ पर सारे शो हो गए, डिफ़ॉल्ट गेटवे भी, DNS का IP भी आपको यहाँ पर शो हो गया। और यहाँ पर आप देखें तो आपके पास अब नेट भी अवेलेबल है। तो अगर आप यहाँ से फिर से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करें, पिंग करके देखें google.com को, तो आपको रिप्लाई देगा, इसका मतलब आपका इंटरनेट अवेलेबल है, आप गूगल को एक्सेस कर सकते हैं। पिंग करके देखें अगर लोकल नेटवर्क को, तो वो भी आपका रिप्लाई दे रहा है, इसका मतलब आप अपने सिस्टम के ऊपर मल्टीपल आईपी एड्रेस को असाइन कर सकते हैं। कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अपने सिस्टम के ऊपर क्या मल्टीपल आईपी एड्रेस को असाइन कर सकते हैं, तो इसका आंसर है यस,
आप अपने सिस्टम पर मल्टीपल आईपी एड्रेस को असाइन कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट गेटवे सिर्फ आपका एक रहेगा। डीएनएस और अल्टरनेट डीएनएस आप मल्टीपल रख सकते हैं। डिफॉल्ट गेटवे एक ऐसा आईपी एड्रेस है जिसके जरिए आप अपने नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में एंटर करते हैं या दूसरे नेटवर्क से आपके सिस्टम में वो डाटा एक्सेस होता है। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ क्लोज, इसको भी यहाँ से कर देते हैं क्लोज। सो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको सिखाया कि आप अपने सिस्टम पर मल्टीपल आईपी एड्रेस को कैसे असाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।